सर भैया एडवोकेट घनश्याम दास अरोड़ा जी उनके साथ में हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के माननीय अध्यक्ष सुधीर कुमार जी के माननीय पदाधिकारीगण जिनमें श्रीमान जितेंद्र गुप्ता जी प्रधान, भारत भूषण बंसल जी संयोजक, राम निवास गर्ग जी संरक्षक, नीरज कल्ला जी संकीर्तन मंडल अध्यक्ष, नीरू चौहान जी जियो गीता यज्ञ प्रमुख, जितेंद्र गांधी जी कैशियर अनिल चावड़ा जी प्रबंधक और अंकुर महेश्वरी युवा चेतना के प्रमुख, युवा और मातृशक्ति सभी शामिल है। वो यहाँ उपस्थित है। जिला प्रशासन की ओर से आप सबका स्वागत है। अभिनंदन। हम लोग नॉमिनी ने बचा दिया। नॉलेज दीजिए अंदर, ये क्या चीज है। 5 मिनट
बिल्कुल के हैं सबके अंदर ना, उसकी स्थिति हम अपने उसके हिसाब से बदलते हैं। मूलाधार चक्र आ गया सबसे नीचे, कुंडलनी शक्ति जो हमारे अंदर है उसका आधार आई, और यहाँ से बेसिकली यही आज की हमारे बूथ के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि पवित्रता इनोसेंस यहाँ से, उसके ऊपर स्वादिष्टांग, ये विद्या का चक्र आ गया, ज्ञान का, आर्ट्स का, जहाँ ब्रह्मदेव सरस्वती माँ का स्थान बताया गया, नीति, ये सब यहाँ से, भव सागर आ गया धर्म का स्थान जो अंदर से धार्मिक बनते हैं, उसके बाद अनंत चक्र आ गया, भाव सिक्योरिटी की फीलिंग यहीं से आती है, उसके बाद विशुद्धि चक्र श्री राधा कृष्ण जी का स्थान जहाँ बताया गया हमारे, और सारे कलेक्टिव सेंस की जो फीलिंग है, एक सामूहिकता को सब लेके चलना, और साक्षी भाव कि एक दुनिया को नाटक की तरह देखना विंटर्स वॉम में, तो ये सब चीज़ यहाँ से हमें अंदर से ये चक्र देने वाले हैं। इसके ऊपर आ गया चक्र, आ गया क्षमा का चक्र है, सबको माफ़ करना, क्योंकि परमात्मा के अगर हमें गोद में बैठते हैं तो माफ़ करे बगैर ये हो नहीं सकता। उसके ऊपर सहस्त्रार जो सदस्य का स्थान बताया गया हमारे शास्त्र में, जिसे दशम द्वार बोला, आप सब अपना आशीर्वाद जैसे पिता माता जो है इन बच्चों को खूब आगे बढ़ाएं, आकाश के तमाम बुलंदियों तक पहुंचाएं, और चूंकि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को आगे और भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम हैं, वहां भी शामिल होना है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा अब इस पूरे आयोजन की मार्गदर्शिका अतिरिक्त जिला उपायुक्त श्रीमती रंजीत कौर जी से, कि वह एक स्मृति चिन्ह दे करके माननीय मुख्य अतिथि महोदय को उनका अभिनंदन करेंगे, सम्मानित करेंगे। श्रीमती रंजीत कौर जी और मंच पर आते हुए माननीय मुख्य अतिथि अपने यमुनानगर के माननीय और यशस्वी और हम सबको सदैव मार्गदर्शन देने वाले माननीय विधायक एडवोकेट श्रीमान घनश्याम दास अरोड़ा जी, मैं निवेदन करूंगा एडीसी मैम से कि एक स्मृति चिन्ह दे करके माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन व्यक्त करें। और आप देख सकते हैं कि यह जो स्मृति चिन्ह है यह भी उस समय का है, चित्र इसमें जो देख सकते हैं जिस समय भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे थे अर्जुन को कि सभी प्रकार के माया मोह को त्याग कर अपने कर्म करो, और कर्म करने से डरो मत, क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। एक मिनट, SDM श्रीमान सुशील कुमार और APRO और साथ में जिला लोक संपर्क अधिकारी श्रीमान देवेंद्र शर्मा जी से सभी मिल करके श्रीमान राम निवास गर्ग जी, ओम ज्योता वाली माता जय हरि ओम। लंबोदराय सकलाय जगद्विजयाय नागाननाय रुद्रय गजभूषिताय गौरीसुताय मृगनाथ नमो नमन्ते देवलग्नं सुजनं ददेवा तारावलिन्दं गगनं ददेवा विद्यावनं दैववलं ददेवा लक्ष्मीपते ग्रमा विश्वामे लाभत तेषां दया तेषां कृता तेषां राजया एकामुदश्यामो हृदयस्तो जनार्दनं मा मङ्गलं भगवान् विष्णो मङ्गलं गदाभिजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष भूय भुवते भगवान् नृसिंहकाभ्यो नमः फलप्रदम् विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रिया हरि ओम महा।
मंगल मंगला सदवदे सुकृतां शुक्रां सुकां संतने राहुल बाहुर्बलं करोति सततं केतु स्वाहा इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ति यज्ञभाविता वेदान् प्रदायेभ्यो यो मुक्ते ऋष्णुर्सा स्वाहा यज्ञशिष्टा स्नातन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषे मुञ्जते दीपकं पापा ये पश्यन्त माकरान् स्वाहा यज्ञादिवते पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा स्वाहा कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्मा अक्षरम् समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतम् ब्रह्मा नित्ययज्ञे प्रतिष्ठताम् स्वाहा ब्रह्मार्पणम् ब्रह्माभिलम् अग्नो ब्राह्मणमुतम् ब्राह्मणम् देव्यम् तद्यम् ब्रह्मा कर्म समाधिना स्वाहा हृदयज्ञ तपोयज्ञ योगियज्ञस्तापरि यथा संस्कृतवता स्वाहा अपाने जुवति प्राणे प्राणो अपानं तथा परि प्राणापाने गति रुद्वा प्राणायाम प्राणा स्वाहा का जो महायज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है उसका प्रारंभ हवन और यज्ञ के सुंदर आयोजन के साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा 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 ग्रह पीड़ा दोष निवारण आदि आजम समय समस्त जन कल्याण हेतुता भगवान श्री विष्णु पूजन क्रमांगत भगवान श्री कृष्ण पूजन क्रमांगत पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वसयति स्वाहा स्वाहा ओम मा पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य दुःखविन सेवनता स्वामी दुख बिन से मनता श्याम पति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरि माता पिता तुम मेरे शरण पढ़ू मैं किसकी स्वामी शरण पढ़ू मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरि करता स्वामी तुम रक्षा मैं मूरख गल जामी मैं सेवक हूँ स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरि बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे प्राण रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ द्वार पलों में तेरे ओम जय जगदीश हरि विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो
के बढ़ाओ, निर्दया प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा, ओम जय जगदीश हरि। तन मन धन सब कुछ है तेरा, घड़ी घड़ी तेरा आशरा मेरे अल्लाह। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न बोल, ये अभिलाषा हम सबकी इच्छा पूर्ण हो। मेरा इसमें कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। दाता के दरबार में सरे रहे हत जो, देनन वाला एक है मांगे दान करो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो दूर, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण, मंगल भवन अमंगल हारी, जाओ सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्रिया राम जय श्रिया राम, जय श्रिया राम परीक्षण पदे पदे आहुति करवाई बहुत सुंदर तरीके से। और श्री राम जय राम माननीय विधायक के घनश्याम दास अरोड़ा जी, उनके साथ श्रीमान राम निवास गर्ग जी, और साथ में अतिरिक्त जिला उपायुक्त श्रीमती रंजीत कौर जी, और यज्ञ देवता को प्रणाम करते हुए सभी। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गंगे माता, जय भगवत गीते, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय कराए वीर बजरंगे। माँ त्रिमंदिर का समर्पित दीप में चाह मेरी यह दिवस जलता रहूं, जलता रहूं। झंझा का झोंका झपकाए, वर्षा तुझे बुझाने आए। मैं गीता जी की आरती के लिए आग्रह करूंगा हमारे मुख्य अतिथि जी से, कृपया गीता जी की आरती के लिए आगे पधारें। सारा टाइम खा ले रहा हूं। मनोज जी मैडम शुरू करें जी आरती। और भारत श्री योगेश्वर भगवान कृष्ण, भारत की संस्कृति श्री गीता माता की जय। जय भगवते मैया, जय भगवत गीते, हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपनीते मैया, जय भगवत गीते, चरण सुमरण प्रकाशिनी, कामा सति हरा मैया, कामा सति हरा, तत्व ज्ञान विकाशिनी, तत्व ज्ञान विकाशिनी, विद्या ब्रह्म परा मैया, जय भगवत गीते, निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मल हारी मैया, निर्मल
क्षेत्र रायनी चरण रहस्य प्रदायनी सब विधि सुखकारी मैया जय भगवत की जय राग द्वेष विदारी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा भवहारिणी तारिणी भवहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा मैया जय भगवत गीते असुर भावनी नाशिनी नाशिनी तम रजनी मैया नाशिनी तम रजनी देवी सद्गुणदायिनी देवी सद्गुणदायिनी नरी रसिका रजनी मैया जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी मैया हरिमुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी मैया जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मात कृपा की जय मैया मात कृपा की जय हरि पद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे मैया जय भगवत गीते जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारिणी सुंदर सुखने मैया जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते गीता माता की श्री योगेश्वर भगवान कृष्ण की। देखिए गीता जयंती महोत्सव में हम सब लोग आए हैं तो एक बार जयकारा पूरे जोर से बोलिए गीता माता की गीता माता। गीता महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं बोलिए गीता माता की। बोलिए गीता माता की। बोलिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज की। बोलिए जगन्नाथ महाराज की। बोलिए खाटू वाले बाबा श्याम जी महाराज की। ये सारे भगवान श्री कृष्ण जी के ही नाम है। और यमुनानगर जिले में ही नहीं हरियाणा के हर जिला मुख्यालय पर मनाया जा रहा है। तो हम श्रीमद् भगवद गीता को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। एक ऐसा ग्रंथ जो हर विपत्ति के समय हर विपत्ति का समाधान करने में सक्षम है। उसका अध्ययन करके उसको अपने जीवन में उतार कर हम गदगद हो सकते हैं धन्य हो सकते हैं। तो कर्म योग का सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में दिया है। सबको अपना अपना कर्म करना है और कर्म भी मन से करना है फल की इच्छा नहीं करनी। क्योंकि यदि हम फल की इच्छा करेंगे कर्म करने के पश्चात नहीं मिलेगा तो निराशा होगी। और श्रीमद् भगवद गीता ने कहा है हमें उपदेश दिया है बताया है कि निराशा का जीवन में कोई भी स्थान नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने एक ऐसे ग्रंथ की रचना की विश्व में जो युद्ध के मैदान में रचा गया। अन्य कोई भी ग्रंथ किसी भी युद्ध के मैदान में नहीं रचा गया। ये मात्र ऐसा ग्रंथ है जो युद्ध के मैदान में रचते हुए धर्म और अधर्म की लड़ाई न्याय और अन्याय की लड़ाई सत्य और असत्य की लड़ाई इसमें से भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि हमें धर्म युद्ध करना है धर्म की लड़ाई लड़नी है अधर्म को हराना है। भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा हम न्याय युद्ध कर रहे हैं अन्याय को हराएंगे न्याय को जिताएंगे। और भगवान श्री कृष्ण जी ने इसके साथ ये कहा ये सत्य के लिए और असत्य में से सत्य को जितवाना है। ऐसा ग्रंथ जो हमें हर पल हर क्षण
प्रेरणा देने में सक्षम है उसका आज हम वार्षिक महोत्सव की शुरुआत अपने जिले में कर रहे हैं। मैं उन सभी के लिए शुभकामनाएं और साधुवाद करता हूं जिन्होंने इस सारे समारोह को सफल बनाने के लिए अपना पूरा समय लगाया, दिन रात एक किया। और हमारी हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गीता के सिद्धांत पर चलते हुए समाज की सेवा कर रही है। और सेवा से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है। आइए हम धर्म के मार्ग पर चलते हुए, सत्य के मार्ग पर चलते हुए, न्याय के मार्ग पर चलते हुए इसको अपने जीवन में उतारें। यदि हम अपने जीवन में ये परिवर्तन लाते हैं तो समाज के सभी लोग हमारे जीवन से, या ऐसे व्यक्ति जो सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, न्याय के मार्ग पर चल रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन को बढ़ाएंगे और इस जीवन को सफल करेंगे। यही लोग तो सफल होगा ही होगा। और जो गीता का नित्य रूप से पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, उनका परलोक भी सफल होगा। और हम सारा काम किस लिए करते हैं? अपना यह लोक भी सफल हो, परलोक भी सफल हो। और गीता हमें ये मार्ग दिखाती है। और हम सब गीता जी के मार्ग पर चलते हुए स्वयं के जीवन को बहुत आनंदित करें, प्रफुल्लित करें, तो निश्चित रूप से आज के दिन गीता महोत्सव की शुरुआत के अवसर पर इतना कहना पर्याप्त रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। बोलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। बोलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। धन्यवाद। देख के हर काम घूम रहे हैं। एजुकेशन दी जा रही है, आर्ट इंटीग्रेटेड एंड पेडागोजी। मैम ये फन विद कैलेंडर है। अगर जो मैं आपको कहती हूँ कि 10 और ये सारी सीरीज आपने जोड़नी है तो आपको काफी टाइम लगेगा। 10 और 16 46, 11 और 15 46, ये 13 का डबल होता है। और अगर जो मैं 13 ये नंबर काउंट करती हूँ 7, तो 13 को 7 से मल्टीप्लाई करके 91, तो होल सीरीज का जो नंबर होता है। एंड इफ यू फाउंड इट, यू डू हैव टू फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न इन इट, दैट इज 4 एंड 12 16, 11 एंड 5 16, 4 एंड 20 24, 18 एंड 6 24, दैट इज द 12 का डबल। अगर जो मैं ये पूरी 3 सीरीज लूं तो 12 को 9 से मल्टीप्लाई, दैट इज 108, दिस इज द सम ऑफ ऑल द सीरीज। This is the kind of the new approaches we have used in the this kind of the process. This is the very simple toy, क्योंकि हम toy based लिखकर करते हैं। This is action and reaction are equal and opposite. जो इसमें था वही हमने air जो है और इसमें air दूसरे को वो react कर रही है और उसकी वजह से pushing करने की वजह से वो ऊपर उड़ता है। तो this is the approach. जब तक नृत्य वाले बच्चे तैयार हैं, पहले दो तीन मिनट हो गए, आप लोग यहीं पर तैयार की स्थिति में हैं। भजन कितने का है? नहीं, आधे घंटे सुने नहीं, फिर उनको बाद में सुनेंगे। अभी जरूर पाँच सात मिनट सुनीता, अभी 5-7 मिनट करें, क्योंकि ना बच्चे बाकी भी हैं, आपको समय और मिलेगा। अभी शुरुआत थोड़ा सा एक बजे तेल होगा, तेल होगा, मस्टर्ड ऑयल होगा, चावल है, हल्दी है। मेरा विशेष निवेदन, मंच की सीढ़ियां चढ़ने के पहले ही अपने चरम पादुकाएं कृपया मंच के नीचे उतार करके पहुंच गए। विशेष आग्रह है, इसे आग्रह माने, निवेदन माने, विराजमान होती है वहाँ पर निश्चित रूप से भगवत स्वभाव से प्रभावित होकर के अपना खर्च करते हैं। हरियाणवी नृत्य समस्त मैं प्रस्तुति
बच्चे कन्या हरियाणा राज्य की आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुरु है जगाधरी के मूल हर आज इसे बदतरीन